हेलो एवरीवन, आज है 25 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डेल्टा कॉर्प के बारे में। देखिए, 17% का डिक्लाइन यहां पर आ चुका है, काफ़ी बड़ा डिक्लाइन है ये, और वजह भी है। और कल इसको लेकर मैंने वीडियो भी बनाया था जहां पर मैंने कहा था कि जैसे ही बाजार खुलेगा 10% का डिक्लाइन तो यहाँ पर ज़रूर देखने को मिलेगा, लेकिन ये उससे ज़्यादा का ही डिक्लाइन आ चुका है। बातचीत करेंगे इस वीडियो में कि डेल्टा कॉर्प के लिए सपोर्ट कहां पर बन सकता है। देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, अभी हालत इनकी बद से बदतर है। अभी कुछ दिन पहले ही 250 रुपये का शेयर हुआ करता था, अभी अगर आप देखो एक झटके में गिरा ज़रूर है, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले 250 रुपये का शेयर था, उससे ऊपर ट्रेड कर रहा था, एक झटके में गिर गया जब 28% का GST लगाया गया इनके ऊपर, मतलब जो अपफ्रंट GST है वो लगाया गया। तो एक झटके में 250 रुपये से 180 पर आया, कोशिश कर रहा था, अटेम्प्ट कर रहा था वहाँ पर रुकने की, लेकिन अब एक बड़ी खबर आई टैक्स की और ये और ज़्यादा नीचे मतलब जा चुका है। GST के टैक्स की जो खबर आई जिसने इसको और ज़्यादा तोड़ के रख दिया। और अभी अगर हम बात करें डेल्टा कॉर्प की तो ये अपने एक साल के लोवेस्ट प्राइस पर है। इवन अगर हम 5 साल की बात करें तो हालांकि जो लो था वो इससे भी नीचे था कोविड के टाइम पर, क्योंकि कोविड के टाइम पर जो इनके बिजनेसेस थे वो बिल्कुल भी बंद पड़े हुए थे, लेकिन बाद में बहुत बड़ी रफ्तार भी हमने देखी। 333 रुपये का लेवल देखा, बड़ा डिक्लाइन देखा, तेज़ी देखी, फिर से डिक्लाइन आ रहा है और यहाँ पर अब ये डिक्लाइन और ज़्यादा गहरा सकता है, क्योंकि पहले एटलीस्ट 170 रुपये, मतलब 170 रुपये के आसपास एक सपोर्ट था, अब वो भी तोड़ चुका है ये तो। और देखा जाए तो जिस तरीके की खबर आ रही है, डेफिनेटली यहाँ पर और बड़े सपोर्ट टूटते हुए नज़र आएंगे। और जहाँ तक बात है डेल्टा कॉर्प की, तो यार देखो दिक्कत है, यहाँ पर दिक्कत है। टैक्स नोटिस का जो इनको मिला है तकरीबन 17,000 करोड़ रुपए का, तो ये बहुत बड़ा है भाई साहब, ये बहुत बड़ा है। अगर हम बात करने जाएं तो मंथ अगो तो चीफ फिनेंशियल ऑफिसर रिजाइन किए हैं इस कंपनी से। 2 मंथ अगो कंपनी इन्फॉर्म दैट द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ऑफ इस ऑनलाइन गेमिंग बिजनेस हैज़ बिन पुट ऑन होल्ड, एंड गवर्नमेंट ने जो 28% का GST लगाया वो तो इनको परेशान कर ही रहा है। और ये जो क्लेम आया है GST का इतना बड़ा, वो इनके मार्केट कैप से 3.5 गुना ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो मार्केट कैप से कई ज़्यादा बड़ा इनका क्लेम है। हालांकि कंपनी डेट फ्री है, ये एक अच्छी बात है। और जहां तक बात करी जाए तो ये कोई शॉर्ट टर्म का इम्पैक्ट नहीं डालेगा, ये जो क्लेम आया है टैक्स नोटिस का, ये कोई शॉर्ट टर्म का इम्पैक्ट नहीं डालेगा, मतलब मीडियम टर्म का इम्पैक्ट डाल सकता है ये कहना है वेल्थ माइल्स सिक्योरिटीज के जो क्रांति है उनका ये कहना है यहाँ पर, जो कंपनी को पिछले 15 सालों से ट्रैक भी कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेल्टा कॉर्प की दिक्कतें कई सारी है अभी यहाँ पर, खास करके इंडिया में ये जो बिजनेस है ना उसको लेकर जो रूल्स है वो आने वाले दौर में और ज़्यादा मजबूत होते नजर आ सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखो तो डेल्टा कॉर्प हैज़ इनहेरिटेड कैपेसिटी कंस्ट्रेंट फॉर द लॉन्ग टाइम गिवन एंट्री बैरियर्स स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ऑन गेमिंग, और दूसरा जो दमन का इनका जो कैसीनो प्रपोजल है वो अभी भी पेंडिंग में है, ये एक दिक्कत की बात है, अभी भी वहाँ पर पेंडिंग। अगर इनको एक्सपांड करना होगा ना अपना बिजनेस इंडिया में, तो ये कहीं ना कहीं जो लाइसेंसिंग वगैरह जो होती है वो दिक्कत वाली बात होगी इनके लिए। यहाँ पर देखिए, दिस इज़ नॉट द सरप्राइजिंग बिकॉज द रेगुलेशंस गवर्निंग कैसीनो लाइसेंसिंग इंडिया आर चैलेंजिंग फॉर सेवरल रीज़न, कई सारे रीज़न है। फर्स्टली, गेमलिंग लॉज इन इंडिया आर प्राइमरी स्टेट मैटर एंड लेंडिंग टू वेरी रेगुलेशन, मतलब स्टेट का मैटर है ये और ये स्टेट टू स्टेट अलग अलग होता है। सेकेंडरी ये भी है कि देर इज़ अ हिस्टोरिकल एंड कल्चरल सेंसिटिविटी टूवर्ड्स द गेमलिंग विच हैज़ लेड टू द कॉशस एंड रिस्पेक्टिव पॉलिसीज, तो ये दिक्कत है यहाँ पर। और अभी जिस तरीके से कह सकते हैं कि टैक्स लगा है, GST का नोटिस भी गया है, और तो जो 28% का टैक्स मतलब लग गया है, 28% का GST भी जो यहाँ पर लगा है, वो भी दिक्कत की बात है इनके लिए। डेल्टा कॉर्प को अगर हम देखें तो लगातार बड़ा डिक्लाइन हम यहाँ पर देख ही रहे हैं। कंपनी का मार्केट कैप अब और कम हो चुका है, अगर हालांकि आज की गिरावट का भी यहाँ पर एडजस्ट नहीं हुआ है, लेकिन जब वो भी होगा तो ये बहुत कम हो जाएगा। PE रेशो इसका 17 का है, जो कि काफ़ी सस्ता है। अगर सिनारियो कुछ और होता तो ये लेवल अट्रैक्टिव होता बाय करने के लिए, लेकिन सिनारियो अब पहले वाला नहीं रहा है, अब दिक्कत है यहाँ पर।
अगर हम बात करने जाए इस कंपनी की, तो डिविडेंड भी पे कर रहा है, 1.25 रुपये का पे किया है इस साल भी, पिछले साल भी इतना ही पे किया था। आगे के इनके रेवेन्यू देखो तो 250-300 करोड़ के रेवेन्यू है कंपनी के, प्रॉफिट देखो तो 50-60 करोड़ के प्रॉफिट है कंपनी के, और ऐसे में 17,000 करोड़ का GST नोटिस डेफिनेटली इनको बहुत ज़्यादा परेशानी देने वाला है। और अभी भी देखो, मैंने तब से कहा था जब ये नोटिस मतलब जो 28% का टैक्स लगा था, जब 250 रुपये का शेयर था, तब भी ये खबर आई थी, तब भी मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि भैया निकल जाओ यहाँ से, फंस जाओगे वरना। और अभी भी मेरा यही कहना है कि देखो मौके मिलेंगे ज़रूर, लेकिन अभी नहीं, वो डबल डिजिट पर मिलेंगे। अभी ये 3 डिजिट पे ट्रेड कर रहा है, जब ये डबल डिजिट पर आएगा तब जाके यहाँ पर मौके बन सकता है, ये मेरा मानना है। यहाँ पर शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास 33.28% की होल्डिंग है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। पब्लिक के पास 42.01% की होल्डिंग है, 6.68% FIs के पास है, 18.03% है DIIs के पास। अब देखना होगा सितंबर क्वार्टर में जब डेटा अपडेट होगा तो किसने खरीदा किसने बेचा, वो देखना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंटरेस्टिंग रहेगा। तो अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि देखो यार भैया, अब तो दिक्कत है यहाँ पर, और ऐसा नहीं कि मैं अभी बोल रहा हूँ ये, अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो जब ये 250 रुपये के ऊपर शेयर आपको मिल रहा था, और जब 28% का GST लगाया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, और जब ये गिरना शुरू हुआ था, तभी मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि भैया निकल लो अब यहाँ से वरना फंस जाओगे, तब भी मैंने ये चीज़ कही थी। और बीच बीच में तेज़ी वाले टाइम पे निकलने के ही मौके ढूंढने चाहिए। और अभी एक और टैक्स नोटिस आया है, और देखो भैया मुझे लगता है कि आने वाले दौर में दिक्कतें थोड़ी सी बढ़ सकती है। अभी शेयर 3 डिजिट में ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है कि जब मौके अगर यहाँ पर आपको रिस्क लेना ही है तो वहाँ पर लीजिए जहाँ पर रिस्क कम हो, तो वो मुझे लगता है कि अगर डबल डिजिट में आएगा तब जाके वो मौके बन सकते हैं। काफ़ी लोग इससे अग्री भी करेंगे, काफ़ी लोग नहीं भी करेंगे, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा आपसे कि ये ना वो कंपनी है जिनके रेवेन्यूज़ आपको दिसंबर जनवरी में बढ़ते नज़र भी आते हैं, ठीक है। सितंबर में उतने ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेंगे, दिसंबर जनवरी इसीलिए क्योंकि दिसंबर मार्च इसीलिए क्वार्टर क्योंकि जो छुट्टियों वाला टाइम होता है, ठीक है, लोग ज़्यादा जाते हैं न्यू ईयर के टाइम पर, काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है गोवा वगैरह में, तो इनके जो हॉस्पिटैलिटी, इनके होटल्स कह लो या फिर इनके कसिनोज कह लो, वो मतलब फुल होते हैं उस टाइम पर। तो मैं यही कहूँगा आपसे कि वो टाइम इनके लिए पीक वाला टाइम रहेगा, तो अभी तो डिक्लाइन मोड चल रहा है, लेकिन नवंबर दिसंबर आते इसके शेयरों में आपको दोबारा तेज़ी देखने को मिल जाएगी, थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिल जाएगी, और वो कंटिन्यू रह सकती है वापस फरवरी मार्च तक, उसके बाद फिर से डिक्लाइन भी शुरू हो जाएगा यहाँ पर। तो नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स है यहाँ पर, जिनमें से एक है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या खरीद रहे हैं उनका पूरा पोर्टफोलियो आप ट्रैक कर सकते हो, वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपडेट के साथ। इनके पोर्टफोलियो में कई बार आपको पैनी स्टॉक भी देखने को मिलेंगे और ऐसे शेयर्स भी देखने को मिलेंगे जिसका नाम तक आपने सुना नहीं होगा, तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कूपन कोड का फायदा उठाइएगा जरूर। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और डेल्टा कॉर्प के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। इसका जो बिजनेस है और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हो सकती है फ्यूचर में उसके बारे में भी आपका क्या कहना है वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। थैंक यू।